Assalamu alaikum. I am English teacher, class 5. First chapter, growing golden fruits. Quinoa are the fruits of orange family. However, except Pakistan, they are the result of grafting oranges with maltas. The credit goes to the Pakistan agroscientists who developed them. इस चैप्टर में कीनूस के बारे में जिक्र किया गया है। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कीनूस एक माल्टा की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। इसमें ऑरेंजेस की फैमिली आ जाती है, कीनू, मौसम्बी, लेमन भी इसी फैमिली का हिस्सा है। इसके बारे में आज हम पूरे चैप्टर में जिक्र करेंगे। कीनूस आर द जूसी एंड स्वीट, ये बहुत ज़्यादा जूसी होते हैं, स्वीट होते हैं बिगनिंग ऑफ द विंटर, और ये सर्दियों के मौसम में आते हैं। दे आर द रेडी फॉर द सेल इन द मार्केट, कंटेन विटामिन सी, इसमें बहुत ज़्यादा विटामिन सी होता है जो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। द क्योर कोल्ड इन द विंटर सीजन, प्योर सफ़र फ्रॉम कोल्ड, जबकि बाज लोग ये बात समझते हैं कि कीनूस खाने से गला ख़राब होगा, लेकिन ये विंटर के सीजन में आते हैं और ये आपको सर्दी से बचाते हैं। गॉड हैज़ प्रोवाइड नेचर क्योर ऑफ कोल्ड, ये अल्लाह ताला ने हमें सर्दी ही में इसीलिए दिए हैं कि सर्दी से बचाते हैं। पीपल ड्रिंक इट्स जूस एंड ईट दैम इन द अबाउंडेंस, इसके ड्रिंक्स भी पिए जाते हैं, जूस पिए जाते हैं, उसको खाया भी जाता है। कीनूज आर ऑल्सो गुड फॉर अ कॉम्प्लेक्शन, ये आपका कॉम्प्लेक्शन अच्छा करता है। दे मेक अ ह्यूमन कॉम्प्लेक्शन फेयर एंड स्मूथ, कॉम्प्लेक्शन मीन्स आपका कलर फेयर होगा, इसी तरह से जितने भी एसिडिटी चीज़ें हैं वो बाउंड हो जाती है। दे आर द कंटेन यूज इन द विंटर सीजन ब्रिंग शाइनिंग इफेक्ट ऑन द फेस, और ये आपके फेस को शाइनिंग इफेक्ट देते हैं और बॉडी को। दे आर द ग्रोन इन द प्लांट इन द पंजाब एंड द सरहद प्रोवेंसेज, ये ज़्यादातर पंजाब और सरहद के सूबों में पैदा होते हैं। दे आर ट्रीज लेडन विद अ गोल्डन फ्रूट्स लुक अ वेरी ब्यूटीफुल, दे आर एक्सपोर्टेड अ जापान मिडिल ईस्ट कंट्री, ये हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मकदार में पैदा होते हैं, इसीलिए मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ में और जापान में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। एज ही हैव द डिलाइट टेस्ट, सो दे आर ए ग्रेट डिमांड, इसका बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसको बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। फ्रॉम द इमिशनल ह्यूमन बींग हैव बीन ईच, बहुत सारे लोग इसको खाते हैं। इसी तरह से गॉड इज़ अ क्रिएटर ऑफ अ काइंड ऑफ फ्रूट्स चीपर एक्सपेंसिव, यानी ये हर तरह से होते हैं, ये सस्ते भी होते हैं और महंगे भी होते हैं, दोनों तरह के आपको मुहैया होते हैं। द पुअर बाइज चीपर एंड द रिच बाइज अ कॉस्टली, जो गरीब लोग होते हैं वो सस्ते वाले ख़रीद लेते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो महंगे वाले ख़रीदते हैं। बट द पुअर एंड द रिच आर लाइक गेट द सेम इन्ग्रीडियंट्स, लेकिन चाहे वो गरीब खरीदे सस्ते वाले या वो अमीर खरीदे महंगे वाले, लेकिन उनके रेट और उनकी क्वालिटी सब सेम होती है, यानी उसके फ़ायदे आपको सेम मिलेंगे। इन अवेयरनेस ऑफ ईटिंग फ्रूट्स इन अ ग्रोइंग डे बाय डे अमंग पीपल, आज अब जो अवेयरनेस बहुत ज़्यादा पैदा हो गई कि फ्रूट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा फ्रूट्स खाने को तरजीह देते हैं। इट इज़ अवर न्यू साइंटिफिक नॉलेज विद हैज़ ए कन्वीनियंस इज द यूजफुलनेस, एवरीबडी इन द वर्ल्ड वॉन्ट टू लाइव अ लॉन्ग लाइफ फुल ऑफ एक्टिविटीज, कम्फर्ट एंड एन्जॉयमेंट द फ्रूट विद चेंजिंग सीजन प्रोवाइड दोज इन्ग्रीडियंट टू अवर बॉडी विच आर द नीडेड फॉर द अपकीप एंड ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी, ये खाने से हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा तब्दीली आती है। फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, उनके इस्तेमाल के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। इस चैप्टर से मुतालिक डिफ़िकल्ट वर्ड्स, क्वेश्चन आंसर, वर्ड्स मीनिंग, फिल इन द ब्लैंक, एक्सट्रैक्ट, ये सब चीज़ें आपको स्कूल से प्रोवाइड की जाएंगी, आप स्कूल से आके लें ट्यूसडे वाले दिन, और फिर आपको सबमिशन डेट दी जाएगी। ये काम आप कॉपियों में करेंगे, स्कूल की कॉपियों में, और फिर वो स्कूल में सबमिट करवाएंगे। थैंक यू।